कमबैक गर्ल स्मृति मंधाना और जेमिमा रॉड्रिग्स के अर्धशतकों की बदौलत भारतीय महिला टीम ने सीरीज का तीसरा और अंतिम 6 विकेट जीत लिया। इसके साथ ही मिताली राज की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 2-1 से जीत ली। पैर के अंगूठे की चोट की वजह से सीरीज के पहले 2 मैच से बाहर रही मंधाना ने 63 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली। उन्होंने साथ ही सलामी बल्लेबाज रॉड्रिग्स के साथ 141 रनों की साझेदारी कर कैरिबियाई आक्रमण को धो डाला। मंधाना और जेमिमा की जोरदार साझेदारी के सहारे भारतीय टीम ने 42.1 ओवरों में 195 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले भारतीय टीम ने अपने सटीक गेंदबाजी से मेहमान टीम को 50 ओवरों में 194 रनों पर समेट दिया था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैरेबियाई टीम को अनुभवी झूलन गोस्वामी और लेग स्पिनर पूनम यादव ने 2-2 झटके दिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गई है। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में तीसरे और आखिरी वनडे मैच में यह उपलब्धि हासिल की। 23 साल की मंधाना ने 2000 रन बनाने के लिए 51 पारियां ली। इसी के साथ वह विश्व में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में 3रे नंबर पर आ गई है। उनसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क और मैग लेनिंग हैं। वनडे में मंधाना ने अब तक 51 वनडे मुकाबलों में 43.08 की औसत से 2025 रन बनाए हैं। इसमें 4 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं। मंधाना के अलावा शिखर धवन ही केवल ऐसे भारतीय हैं जिनके नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 48 पारियों में यह कीर्तिमान स्थापित किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए मंधाना ने वनडे में लगातार 9वीं बार 50 प्लस की पारी खेली है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड की सूची ब्रेट्स की बराबरी कर ली है। उन्होंने 2015-17 के दौरान चेज करते हुए लगातार 9 बार 50 से ज़्यादा का स्कोर किया था। मंधाना ने 2018 में अब तक लक्ष्य का पीछा करते हुए 67, 52, 86, 53, 77, 105, 90, 63, 74 रनों की पारियां खेली हैं।